दीपिका और उसकी वालिदा ख्वातीन के बैग बनाने का काम करती थी। दीपिका के हाथ से बने बैग बहुत दूर दूर तक फरोख्त हुआ करते थे। दीपिका को अपने काम से बेहद मोहब्बत थी। वो हमेशा बैगों के नए नए डिजाइन इजाजत करने के बारे में सोचती रहती। दीपिका के पड़ोस में पूजा रहती थी। पूजा और उसकी वालिदा भी ख्वातीन के बैग बनाती थी, लेकिन उन्हें अपने काम से प्यार नहीं था, इसलिए उनके बैग अच्छे नहीं बनते थे। पूजा दीपिका से खासा हसद रखती थी। काश ये दीपिका का इंतकाल हो जाए तो सारे लोग मुझसे ही बैग बनाने का ऑर्डर देंगे। मालूम नहीं ये बदजात कहां से मेरे पड़ोस में आकर बस गई है। दीपिका के हमारे पड़ोस में रहने की वजह से ही हमारा काम धंधा अच्छे से नहीं चल पाता। जब से ये दोनों यहाँ आई हैं, हमारी कमाई आधी भी नहीं रह गई। पूजा बेटी शहर से तिजारती ऑर्डर देने आते हैं ना, उन पर नजर रखा कर। दिवाली आने पर है, नए ऑर्डर हमें ही मिलने चाहिए। एक रोज शहर से एक शख्स आया। पूजा ने अपने घर की खिड़की से उस शख्स को देख लिया था। वो फौरन भाग कर उसके पास गई। सुनिए, क्या आप बैग का ऑर्डर देने आए हैं? मैं और मेरी अम्मा बहुत अच्छे बैग्स बनाते हैं। हाँ, मैं बैग के ऑर्डर देने ही आया हूँ, लेकिन मैं दीपिका नाम की लड़की को तलाश रहा हूँ। सुना है उसके हाथों के बैग बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होते हैं। क्या तुम्हें इल्म है कि दीपिका कहाँ रहती है? मुझे इल्म नहीं है, जहन्नुम में जाओ। उस शख्स ने गांव के लोगों से दीपिका के घर के बारे में पता हासिल कर लिया और वो दीपिका के घर चला गया। मेरा नाम आयुष गुप्ता है। मेरी शहर में ख्वातीन के बैग की बड़ी दुकान है। तुम्हारे हाथ के बने बैग मुझे बेहद पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें 2000 बैग बनाने के ऑर्डर देने आया हूँ। तुम 2000 बैग कितने रोज में तैयार कर लोगी? 2000 बैग तैयार करने में कम से कम 2 माह लग जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें आधे पैसे पेशगी दे देता हूँ, बाकी 2 माह के बाद आकर दूंगा। आयुष दीपिका को आधे पैसे पेशगी में देकर चला गया। पूजा दरवाजे पर कान लगाकर दीपिका और आयुष की सारी बातें सुन रही थी। पूजा अपने घर जाकर बोली, माँ, दीपिका ने शहरी बाबू के ऊपर डोरी डालकर उससे 2000 बैग का ऑर्डर ले लिया और उसे आधे पैसे पेशगी में भी मिल गए हैं। ये पूजा और उसकी अम्मा ऐसे ही लोगों को फंसाती है। लेकिन बेटी, हमें किसी भी हाल में ऑर्डर मुकम्मल नहीं होने देना है, तो एक काम करना। पूजा की अम्मा ने पूजा के कान में कुछ कहा। दीपिका और उसकी अम्मा ने दिन रात काम करके बहुत मेहनत से 2000 बैग्स तैयार कर लिए और उन्हें डिब्बों में पैक कर दिया। 2000 बैग बनकर तैयार हो चुके हैं। 2 माह पूरे होने में कुछ ही रोज बाकी हैं। अम्मा, हम कई रोज से कहीं घूमने नहीं गए हैं, चलो आज शादी में चलते हैं। मेरी सहेली की शादी है। दीपिका और उसकी अम्मा शादी में चले गए। तभी पूजा छत के रास्ते दीपिका के घर में दाखिल हुई और उसने सारे बैगों में आग लगा दी। अब आएगा मजा। दीपिका और उसकी अम्मा जब घर लौटे तब तक सारे बैग्स जलकर राख हो चुके थे। दीपिका और उसकी अम्मा रोने लगी। पूजा और उसकी अम्मा हमदर्दी दिखाने के लिए दीपिका के घर पहुंची। दीपिका, मुझे लगता है शॉर्ट सर्किट की वजह से तुम्हारे घर में आग लगी होगी, लेकिन तुम परेशान ना हो, जिंदगी में सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं। अगले रोज वो तिजारती दीपिका के घर आया, जिसने दीपिका को 2000 बैग्स का ऑर्डर दिया था। क्या ऑर्डर तैयार है? ऑर्डर तो बिल्कुल तैयार था, लेकिन मालूम नहीं कैसे कल हमारे घर में आग लग गई और सारे बैग जलकर राख हो गए। तुम झूठ बोल रही हो, मुझसे पैसे ले लिए और अब कह रही हो कि ऑर्डर में आग लग गई। मेरे पैसे वापस करो। वो पैसे तो खर्च हो गए हैं। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो ये घर मेरा हुआ, चलो निकलो यहाँ से। तिजारती ने दीपिका और उसकी वालिदा को घर से बाहर निकाल दिया। दीपिका और उसकी अम्मा आसरे के लिए पूजा के घर मदद मांगने पहुंची। पूजा, क्या हम दोनों तुम्हारे घर कुछ रोज रह सकते हैं? नहीं दीपिका बहन, हमारा घर काफी छोटा है, हम दोनों ही यहाँ बड़ी मुश्किल से रह पाते हैं, और फिर कल हमारे घर कई मेहमान भी आने वाले हैं, इसलिए हम तुम दोनों को अपने घर नहीं रख पाएंगे। मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ कि तुम ये गांव छोड़कर किसी सस्ते गांव में चली जाओ और यहाँ कभी लौट कर मत आना, ये गांव तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। दीपिका और उसकी वालिदा बेघर होकर भटकने लगी। अम्मा, जंगल में चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जंगल में अमरूद के दरख्त हैं। दीपिका और उसकी वालिदा जब जंगल में पहुंचे
तो उन्होंने देखा एक साधु बैठे हुए इबादत कर रहे हैं। तुम दोनों कौन हो और यहाँ जंगल में क्यों भटक रही हो? क्या मेरी तरह तपस्या करने आई हो? नहीं बाबा, हम बेघर होकर भटक रहे हैं। दीपिका ने साधु को सारा वाक्या बताया। साधु को दीपिका पर बहुत रहम आया। तो तुम दोनों नसीब की मारी हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। साधु ने अपनी करिश्माई ताकत से दीपिका को एक खातून का बैग दिया। इस बैग से तुम जितने चाहो उतने सोने के सिक्के निकाल सकती हो। उस जादुई बैग की मदद से दीपिका ने न केवल अपना नया घर खरीदा, बल्कि शहर में ख्वातीन बैग की एक दुकान भी खोल ली। उधर पूजा और उसकी वालिदा बहुत खुश थी कि उन्हें दीपिका से निजात मिली। दीपिका और उसकी अम्मा मालूम नहीं कौन से सड़े हुए गांव में जाकर बसी होंगी। उन दोनों के मुस्तकबिल को मैंने पूरी तरह तबाह कर दिया। हाँ बेटी, तू बहुत होशियार है। उन दोनों के जाने के बाद से हमारी कमाई में इजाफा होने लगा है। लेकिन पूजा और उसकी अम्मा एक रोज शहर गई तो दीपिका की शानदार दुकान देखकर हैरान हो गई। पूजा की अम्मा बोली, हम तो सोच रहे थे कि ये दोनों बर्बाद हो गई हैं, लेकिन ये दोनों तो शहर में दुकान खोलकर बैठी हैं। इन्हें इतने पैसे कहाँ से हासिल हुए? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। पूजा और पूजा की माँ दीपिका का पीछा करते हुए उसके नए घर पहुंची। उन्होंने खिड़की से देखा कि दीपिका बैग से सोने के सिक्के निकाल रही है। अच्छा, तो ये बात है। दीपिका जब सोने गई तो पूजा और उसकी वालिदा ने एक लंबे डंडे की मदद से खिड़की से बैग बाहर निकाल लिया। पूजा की अम्मा बोली, जल्दी बैग में हाथ डाल बेटी और सोना बाहर निकाल। पूजा ने जैसे ही बैग में हाथ डाला, उसके हाथ एक सियाह नाग आ गया। नाग ने पूजा के हाथ में डस लिया। पूजा बेहोश हो गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। तब पूजा की अम्मा जोर जोर से रोने लगी, मेरी बेटी को बचाओ, कोई तो सुनो, मेरी बेटी को सांप ने डस लिया है, कोई मेरी बेटी की हिफाजत करो। शोर सुनकर दीपिका घर से बाहर आई। अच्छा, तो तुम लोगों ने जादुई बैग चुराया है? पूजा की अम्मा बोली, हाँ बेटी, हमें माफ कर दो, हमने ही तुम्हारे ऑर्डर में भी आग लगाई थी। मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। दीपिका ने पूजा को कार में डाला और फौरन अस्पताल ले गई। बड़ी मुश्किल से पूजा की जान बच पाई। पूजा बोली, मुझे माफ कर दो दीपिका, मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। अब से मैं एक ईमानदार जिंदगी बसर करूंगी और कभी लालच नहीं करूंगी।